आरएसएस प्रमुख भागवत बोले, बांग्लादेश में बेवजह हिंसा का शिकार हो रहे हिंदू, रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिया। चली नजर डालेंगे इस पूरे मामले पर। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वहां रहने वाले हिंदुओं को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है, ये सुनिश्चित करना हमारे देश की जिम्मेदारी है कि उन्हें किसी तरीके के अन्याय और अत्याचार का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आरएसएस मुख्यालय में ध्वजारोहण के समय पे ये बात कही है। उन्होंने कहा, आने वाली पीढ़ी का कर्तव्य है कि वे स्वतंत्रता के स्वर्गीय रक्षा करें। दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे देशों पर वर्चस्व चाहते हैं। हमें चौकस और सावधान रहना पड़ता है और उनसे अपनी रक्षा करनी पड़ती है। परिस्थिति हर समय एक जैसी नहीं रहती, कभी ये अच्छी होती है और कभी ये विकट रहती है। उन्होंने कहा कि परिस्थिति का यह उतार चढ़ाव जारी रहता है। भागवत ने कहा, अब हम स्थिति देख सकते हैं, पड़ोसी देश में काफी हिंसा हो रही है, वहाँ रहने वाले हिंदुओं को बिना कारण ही उसकी गर्मी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत में दूसरों की मदद करने की परंपरा रही है, ये हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है। भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि मुसीबत में फंसे लोगों की मदद की है, भले ही वह हमारे साथ कैसा ही व्यवहार क्यों न करे। इस स्थिति में हमें यह देखना होगा कि हमारा देश सुरक्षित रहे, साथ ही अन्य देशों की मदद भी करें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नव 24 न्यूज़ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।